नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गुलविश। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने न केवल सरकार बनाने का रास्ता साफ किया बल्कि एक मजबूत विपक्ष भी दिया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली हैं, जो बहुमत के 272 के आंकड़े से 32 कम है। कुल मिलाकर एनडीए को 293 सीटें मिली हैं। इस स्थिति में एनडीए के प्रमुख सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पास सत्ता की चाबी है। वहीं इसी बीच ये अटकलें भी तेज हो गई हैं कि मोदी सरकार 3.0 में किसे किसे मंत्री पद मिलेगा। 9 जून की तारीख आजाद भारत के इतिहास में बहुत खास होने वाली है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे पहले नेता होंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक चुनाव में जीते हुए सभी मंत्री फिर से मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस चुनाव में अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, गजेंद्र सिंह शेखावत और भूपेंद्र यादव ने जीत दर्ज की है। ऐसे में इन्हें फिर से नरेंद्र मोदी की टीम में देखा जा सकता है। हालांकि एनडीए में पोर्टफोलियो बंटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। लोकसभा में बीजेपी को बहुमत नहीं मिलने के कारण नई कैबिनेट बनाना पीएम मोदी की चुनौती है। खबर यह भी है कि कुछ मंत्रियों को नई सरकार में रिपीट नहीं किया जाएगा, जबकि कुछ हारे हुए नेताओं को भी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अमेठी से हारने वाली स्मृति ईरानी को दोबारा मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। आपको बता दें कि सरकार के मंत्रिपरिषद में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक मंत्री हो सकते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री के अलावा उनके टीम में 78 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। मोदी सरकार की तीसरी पारी में घटक दलों में से किसे और कितनी संख्या में कैबिनेट का हिस्सा बनाया जाएगा, ये भी एक सवाल है। बुधवार को पास हुए एनडीए के प्रस्ताव में बस 21 लोगों के नाम हैं। इनमें 5वें नंबर पर चंद्रबाबू नायडू और 6ठे नंबर पर नीतीश कुमार का नाम दर्ज है। एनडीए में बीजेपी के बाद यही दोनों पार्टियां संख्या बल में सबसे बड़ी हैं। माना जा रहा है कि दोनों ही पार्टियां अपने लिए कुछ बड़ी मांगे रख सकती हैं। सूत्रों की माने तो मोदी कैबिनेट में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की नजर कई प्रमुख विभागों और मंत्रालयों पर है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार अपनी पार्टी के सांसदों के लिए कृषि समेत कई बड़े पद मांग रहे हैं। वहीं खबर ये भी है कि जेडीयू अपने लिए 2 कैबिनेट पद भी चाहता है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रेलवे, कृषि या उद्योग मंत्रालय मांग सकते हैं। इसके अलावा शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान भी एक एक मंत्रालय मांग रहे हैं। वहीं दल बदल विरोधी कानून के मद्देनजर लोकसभा स्पीकर की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए टीडीपी इस पद के लिए बातचीत कर रही है। लोकसभा स्पीकर पद के लिए लिए गए इस कदम से गठबंधन के सहयोगियों को भविष्य में किसी भी संभावित विभाजन से बचाने की संभावना है। इसके अलावा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि नायडू भगवा खेमे से 2 से ज्यादा कैबिनेट पद मांग रहे हैं। गठबंधन में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है वो सबसे आगे होती है, लेकिन सहयोगी पार्टियों की मांग को भी देखना होता है। बीजेपी के सामने ये बड़ी चुनौती होगी कि वो एनडीए के घटक दलों के सामने कितना नरमी दिखाती है। ये भी देखना होगा कि उसके सहयोगी आगे जाकर नाराज ना हो जाएं। हालांकि एनडीए के सभी घटक दल इस समय पूरी तरह से एकजुटता दिखा रहे हैं। मोदी सरकार की तीसरी पारी के लिए बन रही टीम में पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देव टीम मोदी में शामिल किए जा सकते हैं। वैसे चुनाव जीतकर आने वाले पूर्व मुख्यमंत्रियों में बीजेपी के सहयोगी दल हम के नेता जीतन राम मांझी भी शामिल हैं। जाहिर है वो भी अपनी दावेदारी रखेंगे। नरेंद्र मोदी ने पीएम पद के शपथ से पहले ही सरकार के कामकाज का रोडमैप बना लिया है। नतीजों के बाद उन्होंने अपने भाषण में भी इसका इशारा किया। नतीजों से ठीक पहले भी प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक बैठकें की थी, जिसमें नई सरकार के एजेंडे पर मंथन हुआ था। लेकिन अब कौन कौन मोदी सरकार में मंत्री बनता है, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।